प्रिया किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ खीरे का रायता कैसे बनाते हैं। खीरे का रायता बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बस ज्यादा कुछ नहीं लिया है, बस एक खीरा, दही, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और हल्का सेला नमक। खीरे का रायता बनाना बहुत ही आसान है। मैंने पहले सबसे पहले खीरे को कट करके इसे हल्का सा ऐसे से करके फिर मैं इसका पहले झाग निकाल दूंगी ताकि हमारा तीखापन जो है हट जाए। और फिर मैं खीरे को यहाँ से काट कर साइड कर देती हूँ, इसे अच्छे से छील लूंगी। अब हमारा खीरा जो है छिल चुका है, अब मैं इसे अच्छे से धुलकर इसे घिस लूंगी। मैंने मोटे साइज से छिला, ज्यादा पतले साइज से नहीं छिला। अब मैंने खीरे को घिस लिया है, अब मैं इसके मसाले की तैयारी करती हूँ। मसाले में मैंने लिया है जीरा और काली मिर्च, इसे भूनकर इसे मैं पाउडर बना लूंगी। मैंने जीरा और काली मिर्च को डाल दिया है, अब इसे हल्का मैं इसका पाउडर तैयार कर लूंगी। मैंने एक कटोरे में अच्छे से दही को मिलाकर पहले से ही रख लिया था, अब मैं इसमें घिसा हुआ खीरा डालूंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी और इसमें जो मैंने मसाले तैयार करके रखे उसे अब डालूंगी। मैंने मसाले का पाउडर तैयार कर लिया था, हल्का जीरा और काली मिर्च का पाउडर है और नमक, सेला नमक स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया इसमें। और ये रहा थोड़ा मैंने अनार का दाना लिया है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। अगर नहीं पसंद है तो आप इसे रहने दीजिए। अब हमारा खीरे का रायता जो है वो बनकर तैयार है। आप इसे अच्छे से मिलाकर आप इसे अपने घर में खा सकते हो, एक बार ट्राई जरूर करना। खीरे का रायता जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।